इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस की होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया है। 20 सितंबर से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होने वाली पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में मुतद्दद तब्दीलियां देखने को मिली हैं। एशिया कप में फ्लॉप मिडल ऑर्डर को मुकम्मल तब्दील कर दिया गया है, जबकि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को भी इंग्लैंड सीरीज में आराम देने का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान, आसिफ अली, खुशदिल शाह और इफ्तखार अहमद की जगह शान मसूद, हैदर अली, शुएब मलिक और शर्जील खान के नामों पर गौर जारी है, जबकि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, आजम खान और सरफराज अहमद में से भी किसी दो विकेट कीपर बल्लेबाजों को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आजमाया जाएगा। हतमी ऐलान चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम अगले एक या दो रोज में कर देंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में किन खिलाड़ियों की वापसी होनी चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।